सर्किट हाउस चौराहे पर निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत का भाड़ा खोलने के दौरान करंट लगने से मृत मजदूर के शव का 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो सका। परिजनों के हंगामा मचाने और मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार से लेकर गुरुवार की दोपहर तक तनाव भरा माहौल रहा। परिजन भवन मालिक, बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। हालांकि बाद में मुआवजे की राशि को लेकर समझौता हो गया, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। दोपहर के बाद पुलिस अभिरक्षा में शव को मृतक के गांव भेजा गया। आपको बता दें कि चौराहे पर विगत कई वर्षों से चार मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए यहां पर लोहे का भाड़ा बांधा गया था। बुधवार को भाड़ा खोलने के दौरान लोहे का पाइप इमारत के नजदीक से गुजरी बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। इस घटना में करंट लगने से चोरवरी खुर्द निवासी कमलेश नामक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। ये लोग भवन मालिक, बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ मुआवजे की भी मांग कर रहे थे। बुधवार दोपहर से प्रारंभ हुआ हंगामा गुरुवार की दोपहर तक चलता रहा। दोनों पक्ष में मुआवजे को लेकर हुए समझौते के बाद शव का पोस्टमार्टम हो सका। पुलिस ने मर्ग कायम किया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कल सर्किट हाउस चौराहे पे जो एक बिल्डिंग निर्माणाधीन है, तो उसमें सेंटरिंग का काम था। सेंटरिंग खुल रही थी, बगल से निकल रहे हाई टेंशन वायर से ये कमलेश रजक जो लेबर है वो खोल रहे थे, तो तार से उनका लोहे का पाइप टच हो जाने से करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। एक और व्यक्ति घायल हुआ है, तो घायल एडमिट है और जो मृतक था उसके परिजन मुआवजे को लेकर हंगामा कर रहे थे कि पैसा दिया गया। तो दोनों पक्षों का आपस में कोई हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी का रवाना होने वाली है। मुआवजे की मांग कर रहे थे, जहाँ मुआवजा दिया जाए हो गया है सेटलमेंट।